लोगों का खास प्रोग्राम लेकर टॉप न्यूज। जी हाँ, कौन सी फिल्म ने यूट्यूब पर मचाया है धमाल, कौन से स्टार की फिल्म से जुड़ी जानकारी है सबसे ज्यादा चर्चाओं में, कौन सी हीरोइन की जलवे इन दोनों सबसे ज्यादा यूट्यूब पर धमाल मचा रहे हैं, इस तरह की तमाम जानकारियां और चटपटी खबरें आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, पावर स्टार और गायकी के सिरमौर कहे जाने वाले पवन सिंह इन दिनों एक से एक नई नई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। नई नई फिल्मों के साथ वो नई हीरोइनों के साथ भी अक्सर नजर आते हैं। जोड़ी से अलग हटकर काम करने का मन अब पवन ने भी बना लिया है। हाल ही में पवन सिंह की एक नई फिल्म बॉस का मुहूर्त बड़े धूमधाम से किया गया था, जिसकी शूटिंग भी जल्दी बनारस में शुरू कर दी जाएगी। इस फिल्म में पवन की हीरोइन यामिनी सिंह है और डायरेक्टर प्रेम राय हैं। इसके अलावा पवन के साथ इस फिल्म में एक नए विलन की एंट्री हो रही है इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड में सलमान खान जैसे बड़े कलाकार की फिल्म कर चुके हैं। जो सलमान खान की फिल्म वॉन्टेड से चर्चाओं में आए थे, जिनका नाम है महेश मांजरेकर। बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों के अलावा साउथ की भी कई सारी फिल्मों में महेश मांजरेकर अपने नेगेटिव किरदार के लिए जाने जाते हैं। महेश से हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर प्रेम राय ने मुलाकात की और उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि इतने सारी फिल्में करने के बाद फिल्म के हीरो और विलन यानी कि पवन और महेश की जोड़ी बॉस फिल्म में क्या कमाल दिखा पाती है। भोजपुरी सिनेमा की हीरोइन मृगनैनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह को गायकी की दुनिया में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की और भी ऐसी कई हीरोइनें हैं जिन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी, जिसमें हाल ही में जो नाम सामने आया है वो नाम है काजल राघवानी का। और काजल की गायकी को लेकर क्या कहा अक्षरा सिंह ने, आइए आप लोगों को सुनाते हैं। रानी चटर्जी और काजल राघवानी ने भी गाना शुरू कर दिया है। कंपटीशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मुझे लगता है मेरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है। बाकी लोग अच्छा करें, मेरे तरफ से बेस्ट विशेस सभी लोगों को। कल अक्षरा सिंह ने नवरात्रि के पहले दिन अपना देवी गीत का वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया था, जिस गाने के बोल थे रुनके झुनकी माए आवतारी हो। लेकिन अक्षरा का ये गाना उनके भी दिल के बेहद करीब है, तभी तो अक्षरा ने इंटरव्यू के दौरान भी अपने दर्शकों के लिए ये गाना गाया। सुनिए जरा। इस बार दशहरे के मौके पर भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली थी कई सारी फिल्में एक साथ, लेकिन जैसे जैसे दिन पास आते गए कई सारी फिल्मों ने अपनी रिलीजिंग डेट को बदल लिया। हाल ही में खेसारी के फैंस के बीच सबसे ज्यादा खुशी देखी जा रही थी, क्योंकि एक साथ खेसारी की दो दो फिल्में रिलीज होने वाली थी। एक थी बलम जी लव यू और दूसरी दबंग सरकार, जो दशहरे के मौके पर रिलीज होती। इससे पहले ही खबर आई कि खेसारी लाल की फिल्म दबंग सरकार अब दशहरे के मौके पर रिलीज नहीं होने वाली, यानी करना पड़ सकता है आपको थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि एक तरफ जहां दबंग सरकार को सेंसर बोर्ड ने दी है थोड़े सुधार की सलाह, तो वहीं इस फिल्म की नई रिलीजिंग डेट के बारे में फिल्म मेकर्स ने नहीं किया है कोई खुलासा। दरअसल बीते दिन पहले फिल्म के मेकर योगेश राज मिश्रा और दीपक शाह लाइव आए, उन्होंने ही इस बात की जानकारी देते हुए दर्शकों से माफी मांगी है और कहा है कि बहुत जल्द वो नवरात्रों के अंदर ही एक नई रिलीजिंग डेट अनाउंस करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। खेसारी की ये फिल्म लेट आएगी लेकिन हिट और जबरदस्त। भोजपुरी फिल्मों के एक्शन स्टार के नाम से जाने जाने वाले हीरो यश कुमार इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों की शूटिंग को लेकर चर्चा में हैं, क्योंकि एक्शन से भरी फिल्म शिवा बनल डॉन का ट्रेलर जहां एक तरफ रिलीज हुआ बीते दिन पहले सोशल मीडिया पर, तो वहीं यश की ही दूसरी पारिवारिक फिल्म संदेशा परक फिल्म
बिटिया छठी माई के भी एंटरटेन म्यूजिक से रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर को दर्शकों का खूब सारा प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में यश एक पिता का किरदार निभा रहे हैं। आमतौर पर इंडस्ट्री के हीरो अपने रुतबे और नाम के लिए फिल्में करते हैं, लेकिन यश ने फिल्म के हिसाब से अपने किरदार को भी बदल कर रख दिया है। वैसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि यश अपने इन नए नए रूप से अपनी छवि लोगों के बीच बदल पाते हैं या नहीं। SRK चैनल से रिलीज हुआ सिवबनल डॉन को सबसे ज्यादा प्यार बाकी की दोनों फिल्मों से मिल रहा है। भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के इस समय पर दो फिल्मों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी, जिनमें से पहली फिल्म का नाम है दबंग सरकार, जिसकी रिलीज डेट को बदल दिया गया है और अब ये फिल्म दशहरे के मौके पर रिलीज नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव की फिल्म बलम जी लव यू, जिस फिल्म के रिलीज होने की खबरें तो आ रही थी, लेकिन इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म के गाने ने धमाल मचा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर इस गाने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और अब तक जितने भी इस फिल्म के गाने सोशल मीडिया पर रिलीज हुए हैं, हर गाने में व्यूज मिलियन में पहुंचे हैं और फिल्म को रिलीज से पहले गाने सोशल मीडिया पर ही सुपरहिट हो चुके हैं और अब भी खेसारी के इस फिल्म के गाने बैक टू बैक रिलीज किए जा रहे हैं। लेकिन फिल्म कब तक रिलीज होगी, इसका इंतजार हर दर्शक को है और खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म को साल 2018 के आखिरी महीने तक रिलीज कर दिया जाएगा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो के जरिए इस दशहरे के लिए एक खास खुशखबरी दी उन्होंने। जी हाँ, खुशखबरी है कि 16 अक्टूबर को वो बिहार मेन गया के बाबा कुटेश्वर धाम जाने वाले हैं, क्योंकि उस दिन पवन सिंह का वहाँ स्टेज शो होने वाला है, जिसके बारे में पवन सिंह ने बताते हुए कहा है कि वो गया के प्रशासन और बिहार सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने मुझे बुलाया है। और वैसे भी जब पवन का बिहार में स्टेज शो है तो दर्शक उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस दशहरे के मौके पर पवन सिंह ने अपनी तरफ से अपने फैंस और चाहने वालों को ये खास खुशखबरी दी है। वेल, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस दशहरे के मौके पर पवन सिंह की फिल्म भी रिलीज होने की चर्चा जोरों शोरों से है, लेकिन इस दशहरे पर पवन की कौन सी फिल्म रिलीज होगी, इस खबर पर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि पवन सिंह के इस दशहरे पर जो फिल्म आने वाली है उसे लेकर के दर्शकों के बीच काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है और बहुत जल्द ये कन्फर्म हो जाएगा कि दशहरे पर पवन सिंह की कौन सी फिल्म धमाल मचाने वाली है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम खबरें, तमाम जानकारियां जो कि आपके स्टार और उनके फिल्मों के साथ जुड़ी थी। फिलहाल मेरा वक्त हो गया जाने का, मैं आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत। अरे भाई, जाऊंगी तभी तो आपके लिए कुछ नई नई और चटपटी खबरें लेकर आऊंगी। जी हाँ, लेकिन आप हमारे चैनल X9 न्यूज भोजपुरी को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा X9 न्यूज भोजपुरी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।